नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अभी की बहुत बड़ी खबर, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लगातार आज सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते बिहार के कई क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम बेहद ज्यादा खराब रहेगा। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भी जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज 8 अगस्त की दोपहर बाद बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम में बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। और आज दोपहर बाद बिहार के जो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद से लेकर अरवल, गया से लेकर नालंदा, नवादा, पटना, बक्सर, भोजपुर से लेकर इन क्षेत्रों पर लगातार भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। तेज तूफानी हवाओं के साथ और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा रही है। और अगले कुछ घंटों के दौरान यह बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। और उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर दक्षिणी पूर्वी बिहार और मध्य बिहार से लेकर दक्षिणी पश्चिमी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां आज देर रात तक जारी रहेगी। यानी कि आज 8 अगस्त की देर रात तक मौसम बिहार के ज्यादातर इलाकों पर खराब रहने वाला है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज बिहार की मौसम की सही व सटीक जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को आप बिहार के किस जिले से, किस शहर से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की, आपके शहर की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों समूचे बिहार के क्षेत्रों पर एक बार फिर भारी बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जो है बिहार के अधिकांश भागों पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ था वो अब काफी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। और इस सिस्टम की वजह से और मानसून ट्रफ लाइन की वजह से यहां पर बारिश की गतिविधियां बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर बढ़ सकती है। और अगले कुछ घंटों के दौरान बेगूसराय से लेकर लखीसराय, शेखपुरा से लेकर नवादा, नालंदा के कहीं भाग हैं, जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और जो गया के भाग हैं, अरवल से लेकर पटना के कहीं क्षेत्र हैं, साथ ही बक्सर, भोजपुर से लेकर जमुई, बंका के कहीं भाग हैं, मुंगेर, भागलपुर से लेकर इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान बढ़ सकती हैं। और हालांकि अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद, गया, अरवल, नालंदा, नवादा से लेकर रोहतास, कैमूर, जो बक्सर, भोजपुर के कहीं इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में दर्ज हो रही है। और अगले कुछ घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर बढ़ सकती हैं, जिसमें विशेष तौर पर बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर के इलाके हैं, साथ ही भागलपुर से लेकर कटिहार, जमुई के कहीं इलाके हैं, बंका से लेकर पूर्णिया, मधेपुरा से लेकर सरसा, सुपौल तक के इलाके हैं, अररिया, किशनगंज तक के इलाकों पर भी मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं। और काफी स्थानों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कई स्थानों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जा सकती हैं। कुछ पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, सारण के क्षेत्रों पर और कुछ मधुबनी, समस्तीपुर से लेकर इन क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बिहार मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने पहले से ही यहां पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। आगे की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।